नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास सिक्स संस्कृत का पाठ आठ पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है सूक्ति स्तवकः। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टमः पाठः, अष्टमः अर्थात आठ, पाठ है मतलब पाठ, तो आठ पाठ सूक्ति स्तवकः। सबसे पहले हम समझते हैं सूक्ति का अर्थ, कि सूक्ति कैसे कहते हैं। तो सु अर्थात अच्छा, उक्ति मतलब कथन, मतलब अच्छे कथन को ही हम क्या कहेंगे, सूक्ति। स्तवकः, स्तवकः का मतलब होता है समूह। तो आप इसका हम अर्थ निकालेंगे, अच्छे विचारों का समूह है। तो इस पाठ का नाम क्या हो जाएगा, अच्छे विचारों का समूह है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, श्लोक का वाचन करके देखेंगे, अर्थात पढ़ के देखेंगे कि इन श्लोकों को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, सुप्तसिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। पुस्तके पठिता पाठा जीवने नेति साधिता, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। प्रिये पाक्य प्रदानेने सर्वे तुष्यन्ति मानवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां सतान्नपि, आगच्छन् वैन्तेयोऽपि पद्मेकं न गच्छति। काकः कृष्णपिक कृष्णा को भेदपिक काकयो, वसन्ति समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अब हम देखते हैं इसके अर्थ को। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, उद्यमेन अर्थात प्रयास से, परिश्रम से ही मतलब निश्चय, सिद्ध्यन्ति अर्थात सिद्ध होते हैं, कार्याणि अर्थात कार्य, ना अर्थात नहीं, मनोरथी, मनोरथी का मतलब है मन की इच्छा से। तो यहाँ का इसका अर्थ हो गया कि प्रयास करने से ही क्या है, कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मन की इच्छा करने से। दूसरा है, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः, ना यानी नहीं ही मतलब निश्चय, सुप्तस्य मतलब सोते हुए, सिंहस्य मतलब शेर के, प्रविशन्ति अर्थात प्रवेश करते हैं, मुख्य अर्थात मुख में, मृग अर्थात हिरण, और मृग यहां पशु के अर्थ में भी ले सकते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सोते हुए शेर के मुख में मृग अर्थात पशु या हिरण, नान की नहीं, प्रविशन्ति मतलब प्रवेश करते हैं। तो सोते हुए शेर के मुख में क्या है, हिरण क्या है, अपने आप प्रवेश नहीं करता है। इन दोनों का अर्थ हो जाएगा कि उद्यम प्रयास करने से ही क्या है, कार्य की सिद्धि होती है, ना कि मन की इच्छा करने से। जैसे उदाहरण के रूप में समझाया है कि जैसे शेर चाहे कि मेरे मुख में क्या है, हिरण आ जाए, तो क्या उसके सोचने मात्र से, मन की इच्छा करने मात्र से उसके मुख में हिरण आ सकता है, नहीं आ सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शेर को प्रयास करना पड़ेगा हिरण को पकड़ने का, क्योंकि जब वो हिरण को पकड़ेगा तब जाके क्या कर पाएगा, उसको वो मार के खा पाएगा। तो इसी प्रकार क्या है, हम अपने कार्य की सिद्धि क्या है, परिश्रम से ही कर सकते हैं। दूसरा है, पुस्तके पठितः पाठा जीवने नैव साधितः, पुस्तके अर्थात पुस्तक में, पठित मतलब पढ़ा हुआ, पाठ मतलब पाठ, जीवने अर्थात जीवन में, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो ना धन एव हो जाएगा, नयन की नहीं, ए मतलब ही, तो हो जाएगा नहीं, साधिता, साधिता का मतलब होता है उपयोग किया जाना या उपयोग किया। तो मान लो कि हमने कोई पाठ पढ़ा है और उसको हमने क्या किया, उपयोग में नहीं लिया, तो क्या है, उसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है ऐसे पाठ का। किम भवेत् तेन पाठेन, किम अर्थात क्या, भवेत् मतलब होना या होना चाहिए, तेन मतलब उस पाठेन मतलब पाठ से, जीवने अर्थात जीवन में, यो मतलब जो, ना अर्थात नहीं, सार्थक का मतलब सार्थक है, अर्थपूर्ण है, प्रयोजन पूर्ण है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि हमने पाठ पढ़ा उसको अपने जीवन में नहीं उतारा, तो ऐसे पाठ पढ़ने से क्या लाभ, अर्थात इससे कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने उस पाठ को, जो सार है उसकी, जो शिक्षा है, उसको क्या किया, अपने जीवन में नहीं उतारा।
अगला है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रतः। प्रिय अर्थात मीठा, वाक्य अपना वाणी या बोलने में, प्रदानेन मतलब मीठा बोलने में या प्रदान करने से, सर्वे अर्थात सभी, तुष्यन्ति का मतलब होता है संतुष्ट होना या प्रसन्न होना, तो प्रसन्न होते हैं मानव अर्थात मनुष्य। तो इसका अन्वय करेंगे तो सर्वे मानव मतलब सभी मानव प्रिय वाक्य प्रदान मतलब प्रिय बोलने से तुष्यन्ति अर्थात प्रसन्न होते हैं। तो सभी मानव क्या है, मीठा बोलने से ही प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं, तस्मात् का मतलब होता है इसलिए, प्रियम अर्थात मधुर या मीठा ही का है यहाँ पर निश्चय, वक्तव्यम का मतलब होगा यहाँ पर बोलना चाहिए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मीठा ही बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता अर्थात मीठा बोलने में कैसी कंजूसी, बचने मतलब बोलने में का मतलब कैसी दरिद्रता अर्थात कंजूसी या कृपणता दीनता, ये सभी क्या इसके समानार्थी हैं। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए और मीठे बोलने में कैसी कंजूसी अर्थात हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जब हमें मालूम है कि मीठा बोलने से ही क्या है सभी व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, तो हमें इसलिए क्या करना चाहिए, हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। गच्छन पिपीलुको याति योजना नाम सतान्नपि आगच्छन वैन्तोऽपि परम एकम न गच्छति। गच्छन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा चलने के अर्थ में लिए, तो चलते हुए, पिपीलुको का मतलब है चीटी, याति मतलब जाती है, योजना नाम यहाँ पे योजना, योजन का मतलब है जो चार कोसों का होता है वह एक योजन होता है, और अपनी भाषा में समझे तो 12 किलोमीटर को हम एक योजन कह सकते हैं, तो 12 किलोमीटर को एक योजन कह सकते हैं। सतान अपि, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सतानी धन अपि, सतानी का मतलब 100, अपि मतलब भी। पिपीलुको अर्थात जो चीटी है, तो चीटी गच्छन मतलब चलते हुए, तो चीटी क्या है चलते हुए, याति मतलब जाती है, सतान अपि मतलब 100 योजना नाम मतलब 100 योजन भी चल सकती है, यदि चींटी चलती रहे लगातार तो वो चलते चलते क्या है 100 योजन की दूरी को भी क्या कर सकती है, तय कर सकती है। आगच्छन बैंत्यो अपि परमेकम न गच्छति, आगच्छन मतलब ना चलते हुए, बैंत्यो का मतलब है यहाँ पर गरुण पक्षी, अपि मतलब भी, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पदम धन एकम हो जाएगा, तो पदम का मतलब पैर, एक का मतलब एक, ना अर्थात नहीं, गच्छति मतलब जाता है, तो यहाँ पर ना चलते हुए जो गरुण पक्षी है वह क्या है एक पद भी नहीं जाता है। इन दोनों का अर्थ हो जाएगा कि जो चींटी है वह क्या करती है, चलते हुए लगातार चलने के कारण क्या करती है 100 योजन की दूरी को भी तय कर लेती, मतलब 100 योजन भी चल लेती है, परंतु जो बैंतेई पक्षी है अर्थात जो गरुण पक्षी है वह ना चलते हुए एक पद भी नहीं चल पाता है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकियो, काकः मतलब कौआ, कृष्ण मतलब काला, पिकः मतलब कोयल, कृष्ण मतलब काली, को भेदः मतलब क्या, भेद मतलब भेद है अंतर है, पिक काकियो, पिक अर्थात कोयल और कौए में, तो यहाँ पर क्या है बोलना ये चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो कोयल है वो भी काली होती है और जो कौआ होता है वो भी काला होता है, तो इन दोनों में क्या अंतर है जिससे हम पहचान सकते हैं कि कोयल कौन सी है और कौआ कौन सा है, तो इसका उत्तर है बसंत समय प्राप्ते है काकः काकः पिकः पिकः, बसंत समय अर्थात बसंत ऋतु के आने पर, प्राप्ति मतलब प्राप्त होने पर या आने पर, काकः मतलब कौआ, कौआ होता है, पिकः पिकः मतलब कोयल, कोयल होती है, तो कैसे मालूम चलेगा कि कौआ कौआ होता है और कोयल कोयल होती है, तो जब बसंत ऋतु
का महीना आता है, बसंत ऋतु आती है, तो उसमें क्या होता है कि जब कौवा बोलता है तो कौवा के स्वभाव से पता चल जाता है, उसकी जब कर्कश वाणी निकलती है कि ये क्या है, कौवा है। और उसी समय जब कोयल बोलती है तो कोयल की मीठी मधुर वाणी से हमें पता चल जाता है कि ये कोयल है। तो उनके स्वभाव को क्या है, उसकी वाणी के माध्यम से हम जान सकते हैं कि इसमें से कौवा कौन है और कोयल कौन है। शब्दार्थ, यहां पर हम शब्दार्थ पढ़ेंगे तो शब्द और अर्थ निकलेगा इसका, अर्थ कि शब्द और अर्थ। उद्यमेन, उद्यमेन का मतलब होता है परिश्रम से, मेहनत से। मनोरथई, मनोरथई मतलब मन की इच्छा से। सह, सह मतलब शेर। मृगा अर्थात हिरण या पशु। दरिद्रता, दरिद्रता का मतलब हो जाएगा दीनता, कृपणता, कंजूसी। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय अर्थात मीठा या प्रिय लगने वाले वचन, वाक्य मतलब वचन, प्रदानेन मतलब बोलने से, तो प्रिय वचन बोलने से या प्रिय बोलने से। तुष्यन्ति, तुष्यन्ति अर्थात संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं। मानवा अर्थात मनुष्य। तस्मात, तस्मात मतलब इसलिए। वक्तव्यम, वक्तव्यम अर्थात बोलना चाहिए। वचने अर्थात बोलने में या वाणी में। साधिता, साधिता मतलब उपयोग किया। भवेत होगा या होना चाहिए। सार्थक, सार्थक का मतलब अर्थपूर्ण या प्रयोजन युक्त। काकः, काकः अर्थात कौवा। कृष्ण अर्थात काला। पिकः अर्थात कोयल। पिक काकियो, पिक अर्थात कोयल और काक मतलब कौवा, तो कोयल और कौए में, क्योंकि यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है इसलिए मैं अर्थ निकलेगा, तो कोयल और कौए में। प्राप्ते, प्राप्ते मतलब आने पर। गच्छन मतलब जाता हुआ। पिपील कहा अर्थात नरचीटी या चीटी। याति मतलब जाता है। योजना नाम, योजना नाम मतलब चार कोसों का एक योजन कह सकते हैं, या लगभग चार किलोमीटर को हम क्या है, एक योजन कह सकते हैं। सतानी, सतानी मतलब सौ। आगच्छन ना चलते हुए। वैनते है, वैनते अर्थात गरुण, जो एक क्या है पक्षी है, तो गरुण पक्षी। अभ्यास मतलब अभ्यास प्रश्न, प्रश्न नंबर एक। सर्वान श्लोकान सास्वरम गायत। सर्वा मतलब सभी, श्लोकान मतलब श्लोकों को, सास्वर मतलब स्वर के साथ, गायत मतलब गाइए। तो अभी हमने आपको पढ़ के बताया था कि किस प्रकार से गाना है इनको, तो ये हो जाएगा सास्वर गायन। प्रश्न नंबर दो। श्लोक अंशान युज्यत। अब यहाँ पर क्या है, श्लोकों के अंश दिए हैं, क्योंकि पूरा श्लोक होता तो पूरी दोनों लाइन आती, पर यहाँ पे क्या है श्लोकों के अंश दिए हुए हैं, तो उन अंशों को क्या करना है, योजता मतलब उनकी जोड़ी बनाइए, तो श्लोकों के अंशों को जोड़िए। का तस्मात प्रियम ही वक्तव्यम। दूसरा है गच्छन पिपील को याति। तीसरा है प्रिय वाक्य प्रदानेन। चौथा है किम भवे तेन पाठेन। पांचवा है काका कृष्णा पिकह कृष्णः। अब खा में दिया है सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। अगला है जीवने यो न सार्थकः को भेदः पिक काक यो। अगला है योजना नाम सतान्य अपि। बचने का दरिद्रता। अब हमें इनको क्या करना है, सही से मिलाना है कि कौन सा श्लोक का अंश कौन से श्लोक के अंश से मिलेगा। तो सबसे पहला तस्मात प्रियम ही वक्तव्यम। तस्मात मतलब इसलिए, प्रिय मतलब प्रिय या मीठा मधुर, ही मतलब निश्चय, वक्तव्य मतलब बोलना चाहिए, इसलिए हमें क्या है मीठा बोलना चाहिए। तो अब इसको हम किससे मिलाएंगे, बचने का दरिद्रता मतलब बोलने में या मीठा बोलने में कैसी कंजूसी, यहां मिल जाएगा तस्मात प्रियम ही वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। दूसरा है गच्छन पिपील को याति ही। गच्छन मतलब जाता हुआ या जाते हुए, पिपील को मतलब चीटी, याति मतलब जाती है, तो इसका आएगा योजना नाम सतानपी।
तो क्या करती सोम जो चींटी है वह क्या 100 योजन भी चल सकती है। तो गच्छन पिपील को याति मतलब जाते हुए चींटी 100 योजन भी जाती है अर्थात 100 योजन की दूरी तय करती है। तो इसकी जोड़ी हो जाएगी योजना नाम 97। तीसरा है प्रिय वाक्य प्रदानेन, तो यहां हो जाएगा प्रिय वचन बोलने से। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तो सर्वे मतलब सभी, जन्तवः मतलब प्राणी, तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट होते हैं। तो प्रिय बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। चौथा है किम भवेत तेन पाठेन, किम अर्थात क्या, भवेत मतलब होगा या होना चाहिए, तेन मतलब उस पाठेन मतलब पाठ को पढ़ने से। तो जीवने यो न सार्थकः, मतलब जीवन में जो ना सार्थक मतलब जिसकी सार्थकता नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो ऐसे पाठ पढ़ने से क्या होगा, तो इसका हो जाएगा जीवने यो न सार्थकः। अब है अगला पांचवा, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, मतलब कौआ काला है और कोयल काली। तो इसमें आएगा को भेदः पिक काकियो, मतलब क्या भेद है कोयल और कौए में। अगला प्रश्न है तीसरा, प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्ना नाम मतलब प्रश्नों की, उत्तराणी अर्थात उत्तर, लिखत मतलब लिखो या लिखिए। का सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सर्वे जंतवः मतलब सभी प्राणी, केन मतलब किससे, तुष्यन्ति मतलब प्रसन्न होते हैं या संतुष्ट होते हैं। तो इसमें उत्तर आएगा प्रिय वाक्य प्रदानेन, तो सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति अर्थात सभी प्राणी मीठा बोलने से प्रसन्न होते हैं। खा पिक काकियो भेदः कदा भवति, मतलब कोयल और कौए में भेद कदा अर्थात कब, भवति मतलब होता है, तो कोयल और कौए में भेद कब होता है, तो इसका कदा की जगह आंसर आ जाएगा बसंत समये। तो पिक काकियो भेदः बसंत समये भवति, मतलब कोयल और कौए में भेद बसंत समय में होता है या बसंत ऋतु आने पर होता है। गा कह गच्छन योजना नाम 97 याति, कह मतलब कौन, गच्छन मतलब चलते हुए, योजना नाम 97 याति मतलब क्या करते, 100 योजन भी जाता है। तो यहाँ पे कह की जगह आ जाएगा पिपील कह, मतलब जो चींटी है वह क्या है, चलते हुए 100 योजन की दूरी भी जाती है। घा अस्माभि किम वक्तव्यम, अस्माभि मतलब हम लोगों उनके द्वारा, किम अर्थात क्या, वक्तव्य अर्थात बोलना चाहिए। तो यहाँ किम की जगह आएगा प्रियम, तो अस्माभि प्रियम वक्तव्य, हमें क्या है मीठा बोलना चाहिए या हमारे द्वारा मीठा बोलना चाहिए। चौथा नंबर का प्रश्न है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम ना इति लिखर, मतलब जो उचित कथन है उनके सामने हमें आम का मतलब होता है हाँ लिखना है, और अनुचित कथनानाम मतलब जो उचित नहीं है, ऐसे कथनों के समक्ष क्या करना है, ना अर्थात नहीं ऐसा लिखना है, तो ऐसा लिखिए। का कह कृष्ण ना भवती, इसमें बोला है कि का कह मतलब कौआ, कृष्ण अर्थात काला, ना अर्थात नहीं, भवती मतलब होता है, तो कौआ काला नहीं होता है, तो ये क्या है उचित कथन नहीं, कैसा है अनुचित कथन है, क्योंकि कौआ कैसा होता है काला होता है, इसलिए हम लिखेंगे अनुचित कथन के सामने ना। खा अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, अस्माभि मतलब हमारे द्वारा, प्रियम अर्थात प्रिय, वक्तव्य अर्थात बोलना चाहिए या मीठा बोलना चाहिए, तो यह कैसा कथन है उचित, उचित कथन होने के कारण हम लिखेंगे आम मतलब हाँ। गा बसंत समय पिक काकियो भेदा भवती, बसंत समय पर या बसंत ऋतु के आने पर पिक काकियो मतलब कोयल और कौए में भेद होता है, तो इसका आंसर उचित है ये कथन, इसलिए आम मतलब हाँ। घा बैंते है पशु अस्ति, बैंते अर्थात जो गरुण है वह पशु है, तो ये जो आंसर है कैसा है अनुचित है, तो इसमें आएगा ना,
क्योंकि हमने आपको अभी बताया था कि गरुण क्या है, पक्षी है ना कि पशु, इसलिए यहाँ पशु लिखा है तो इसमें अनुचित होने के कारण आ जाएगा ना। बचने दरिद्रता ना कर्तव्य, बचने अर्थात बोलने में या वाणी में, दरिद्रता अर्थात कंजूसी या कृपणता ना, यानी कि नहीं, कर्तव्य मतलब करनी चाहिए, तो वाणी में कंजूसी नहीं करना चाहिए, बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। तो ये कथन कैसा है, उचित है, इसलिए इसके समक्ष आ जाएगा आम, आम मतलब हाँ। अगला प्रश्न है पांचवा, मंजूषातः समानार्थकानी पदानी चित्वा लिखत, यहाँ ये मंजूषा बनी हुई है, इस मंजूषा से क्या करना है, समानार्थक मतलब समान अर्थ देने वाली पदानी अर्थात पदों को चित्वार्थक चुनकर लिखत मतलब लिखिए या लिखो। तो यहाँ पे शब्द दिए ग्रंथे कोकिलः गरुणः सूर्यश्च कथने। अब इनके समानार्थक शब्द लिखना, समान अर्थ देने वाले जैसे वचने बैंते पुस्तके रवे पिकः। अब बचने का क्या हो जाएगा, कथने, वचन में या कथन में। वेंते, वेंते का मतलब हो जाएगा गरुणः। पुस्तके, पुस्तके का समानार्थी आ जाएगा ग्रंथे, क्योंकि पुस्तक को हम ग्रंथ भी कहते हैं। रवे, रवे का आ जाएगा सूर्यस। पिकः, तो पिकः का आ जाएगा कोकिलः अर्थात कोयल। अगला प्रश्न छठवा, विलोम पदानी योज्यत, अब हमने समानार्थक पदों की योजना पांचवे क्वेश्चन में की थी, अब हम क्या करेंगे, विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टे, पदानी अर्थात शब्दों को योज्यत मतलब जोड़ी मिलाइए, तो हमें क्या करना है, उल्टे शब्दों की जोड़ी मिलाने अर्थात विलोम पद की क्या करना है, जोड़ी मिलाना है। तो का में दिया सार्थकः कृष्णः अनुक्तम गच्छति प्रदीपश, खा में दिया है आगच्छति श्वेतः दीपिकस्य उक्तम निरर्थकः। अब उल्टा करना है, जैसे सार्थक का हो जाएगा निरर्थक, कृष्ण का हो जाएगा श्वेत, कृष्ण मतलब काला, श्वेत मतलब सफेद, अनुक्तम मतलब जो कहा नहीं गया है, उक्तम अर्थात कहा हुआ, गच्छति अर्थात जाता है, आगच्छति मतलब आता है, प्रदीपश का हो जाएगा दीपकस। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।